हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमित और मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 1987 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच की कहानी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं 1987 वर्ल्ड कप फाइनल की कहानी। फ्रेंड्स, ये फाइनल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 8 नवंबर 1987 में कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया था। यह पहला वर्ल्ड कप का फाइनल था जो कि लॉर्ड्स के अलावा किसी और दूसरे वेन्यू पर खेला गया था। एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे और माइक गेटिंग इंग्लैंड के कैप्टन थे। एलन बॉर्डर ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड बून और जेफ मार्श ने ओपनिंग की। दोनों ओपनर्स ने मिलकर संभल कर बैटिंग करते हुए 75 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की और ऑस्ट्रेलिया को 25 काट दिलाई। लेकिन उनकी ये पार्टनरशिप 75 रन से और आगे बढ़े उसके पहले नील फॉस्टर ने जेफ मार्श को 24 रन पर बोल्ड कर दिया और इंग्लैंड को पहला विकेट दिलवाया। उनके बाद नंबर 3 पर डीन जोन्स बैटिंग करने आए। डेविड बून और डीन जोन्स ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स को 75/1 से आगे बढ़ाया। इनिंग्स को आगे बढ़ाते हुए दोनों के बीच पार्टनरशिप बनने लगी। जैसे जैसे उनकी पार्टनरशिप बनते जा रही थी, वैसे वैसे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर भी आगे बढ़ रहा था। देखते देखते दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 76 रन जोड़े और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक विकेट पर 151 तक पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त काफ़ी मजबूत पोजीशन में थी और वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम काफ़ी प्रेशर में थी और मैच में वापसी करने के लिए उन्हें इस पार्टनरशिप को तोड़ने की सख्त ज़रूरत थी। और इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए इंग्लैंड के कैप्टन माइक गेटिंग ने एडी हेमिंग्स को बॉलिंग दी। एडी हेमिंग्स ने अपने कैप्टन के भरोसे पर खरे उतरते हुए डीन जोन्स, जो कि 33 रन पर बैटिंग कर रहे थे, उन्हें कैच आउट कर दिया और इंग्लैंड को एक मच नीडेड ब्रेक थ्रू दिलवाया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 151 पर दो विकेट्स हो गया था और डीन जोन्स के विकेट के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अगले 17 रन में और दो विकेट्स खो दिए, जिसमें क्रेग मैकडरमॉट और डेविड बून का विकेट शामिल था। क्रेग मैकडरमॉट 14 रन बनाकर ग्रैम गुच की बॉलिंग पर बोल्ड हो गए और डेविड बून 75 रन की अच्छी इनिंग्स खेलकर हेमिंग्स की बॉलिंग पर कॉट बियाइंड हो गए। डीन जोन्स के विकेट के बाद क्विक सक्सेशन में और दो विकेट्स लेकर इंग्लैंड अब मैच में वापस आ गया था। और वहीं दूसरी तरफ 168 पर चार विकेट्स खोकर अब ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में आ गया था और इस प्रेशर सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए उन्हें एक पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। अब कैप्टन एलन बॉर्डर और माइक वेलेटा क्रीज पर मौजूद थे। दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स को संभाला और 168/4 से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज अच्छे रन रेट से बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स को आगे ले जा रहे थे। इनिंग्स को आगे ले जाते हुए एलन बॉर्डर और माइक वेलेटा ने 50 रन की पार्टनरशिप पूरी की। दोनों बल्लेबाज अच्छी बैटिंग कर रहे थे और अपनी बैटिंग को ऐसे ही जारी रखते हुए अपनी पार्टनरशिप को 73 रन तक ले गए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 241 तक पहुंचाया। अब तक एलन बॉर्डर और माइक वेलेटा की पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी चल रही थी और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर भी अच्छे रन रेट से आगे बढ़ रहा था। लेकिन फिर अचानक एलन बॉर्डर रनआउट हो गए और ऑस्ट्रेलिया ने अपना 5वां विकेट 241 रन पर खो दिया। एलन बॉर्डर ने 31 बॉल में 3 चौकों की मदद से 31 रन बनाए और माइक वेलेटा के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 73 रन की क्रूशल और इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप की। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने और कोई विकेट नहीं गंवाया और अपनी 50 ओवर्स की इनिंग्स पूरी की और 5 विकेट्स खोकर 253 रन बनाए और इंग्लैंड के सामने 254 रन का टारगेट रखा। स्टीव वॉ 5 रन बनाकर और माइक वेलेटा 31 बॉल्स में 6 चौकों की मदद से 45 रन की बहुत अच्छी इनिंग्स खेलकर नॉट आउट रहे। इंग्लैंड की तरफ से एडी हेमिंग्स ने 2 विकेट्स लिए और ग्रैम गुच और नील फॉस्टर ने 1-1 विकेट लिया। जीत के लिए 254 रन के टारगेट का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने अपनी इनिंग शुरू की। इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उनके ओपनर टिम रॉबिन्सन अपना खाता खोले बगैर क्रेग मैकडरमॉट की बॉलिंग पर LBW हो गए और इंग्लैंड का पहला विकेट 1 रन पर गिर गया। अब ग्रैम गुच का साथ देने के लिए बिल एथे क्रीज पर आ गए थे। दोनों ने मिलकर इंग्लैंड की इनिंग्स को आगे बढ़ाना शुरू किया। दोनों बल्लेबाज काफ़ी संभल कर बैटिंग कर रहे थे
और बगैर कोई जोखिम उठाए धीरे धीरे अपनी इनिंग्स और पार्टनरशिप को आगे बढ़ा रहे थे। ग्राहम गूच और बिल एतन ने अपनी बल्लेबाजी ऐसी ही जारी रखते हुए 65 रन की पार्टनरशिप कर ली और इंग्लैंड का स्कोर 66 रन तक पहुंचाया। लेकिन उनकी ये पार्टनरशिप 65 रन से और आगे बढ़े उसके पहले ग्राहम गूच को साइमन ओडोनेल ने 35 रन पर LBW कर दिया और इंग्लैंड का दूसरा विकेट 66 रन पर गिर गया। ग्राहम गूच के विकेट के बाद अब इंग्लैंड के कैप्टन माइक गैटिंग बैटिंग करने आए। माइक गैटिंग ने एग्रेसिव इंग्लैंड के साथ बैटिंग करनी शुरू की और तेज़ी से रन्स बनाने लगे। वहीं दूसरी तरफ बिल एतन संभलकर बैटिंग करते हुए अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ा रहे थे। माइक गैटिंग अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे और अपनी बैटिंग को ऐसे ही जारी रखते हुए उन्होंने बिल एतन के साथ मिलकर इंग्लैंड के स्कोर को 135 तक पहुँचा दिया था। माइक गैटिंग की अटैकिंग बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में आने लगा था और उन्हें ज़रूरत थी कि वो माइक गैटिंग को जल्द से जल्द आउट करे और ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन एलन बॉर्डन ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जब इंग्लैंड का स्कोर 135 रन पर था और माइक गैटिंग 41 रन पर बैटिंग कर रहे थे तब एलन बॉर्डन ने माइक गैटिंग को कॉट बिहाइंड कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को सही समय पर इम्पोर्टेंट विकेट दिलवाया। माइक गैटिंग ने 45 बॉल्स में 41 रन की एग्रेसिव इनिंग्स खेली जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था और बिल एतन के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 69 रन की पार्टनरशिप की। उनके बाद बिल एतन का साथ देने के लिए एलन लैम क्रीज पर आए। एलन लैम भी माइक गैटिंग की तरह अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने लगे और देखते देखते बिल एतन के साथ मिलकर 35 रन की पार्टनरशिप बना ली। लेकिन उनकी ये पार्टनरशिप 35 रन से और आगे जा पाए उसके पहले बिल एतन रनआउट हो गए और इंग्लैंड ने अपना चौथा विकेट 170 के स्कोर पर खो दिया। बिल एतन 103 बॉल्स में 58 रन बनाकर रनआउट हो गए। यहाँ से इंग्लैंड के विकेट्स रेगुलर इंटरवल्स पर गिरने शुरू हुए। पॉल डाउनटन सिर्फ 9 रन बनाकर एलन बॉर्डर की बॉलिंग पर कैच आउट हो गए। फिर जॉन एम्बुरे 10 रन बनाकर रनआउट हो गए और इंग्लैंड का स्कोर 218 रन पर 6 विकेट्स हो गया था। ऑस्ट्रेलिया अब मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब बस एलन लैम ही इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद के तौर पर क्रीज पर डटे थे। लेकिन सिर्फ 2 रन बाद एलन लैम भी स्टीव वॉ की बॉलिंग पर बोल्ड हो गए और इंग्लैंड ने अपना 7वां विकेट 220 के स्कोर पर गंवा दिया। एलन लैम ने 55 बॉल्स में 4 चौकों की मदद से 45 रन की इनिंग्स खेली। इसके बाद इंग्लैंड ने अपना 8वां विकेट 235 रन पर गंवाया। फिल डेफरेटस 10 बॉल में 17 रन बनाकर स्टीव वॉ की बॉलिंग पर कैच आउट हो गए। अंत में इंग्लैंड अपने 50 ओवर्स में 8 विकेट्स खोकर 246 रन ही बना पाया और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल 7 रन से जीतकर अपना सबसे पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कैप्टन एलन बॉर्डर ने 2 विकेट्स लिए, स्टीव वॉ ने 2 विकेट्स लिए और क्रेग मैकडरमॉट ने 1 विकेट लिया और डेविड बून के द्वारा खेली गई 75 रन की अच्छी और इम्पॉर्टेंट इनिंग्स के बदौलत उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और इस तरह से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने 1987 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। सो फ्रेंड्स, ये थी कहानी 1987 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल की। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना और क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।